आज हम सीखेंगे एफ शार्प मेजर स्केल। आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में सारे स्केल देखे हैं, लेकिन वो सारे नेचुरल नोट्स के स्केल थे। मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, कुछ शार्प फ्लैट्स के स्केल हैं वो भी आप प्लीज़ बना के बताएं। तो ये वीडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए हैं जो थोड़ा और डिटेल में जाना चाहते हैं स्केल्स के लिए। और बहुत अच्छा स्केल है एफ शार्प मेजर, बहुत कॉमन स्केल है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला स्केल है। तो चलिए चलते हैं सीधा एफ शार्प मेजर स्केल की ओर। तो चलो पहले हम देखते हैं एफ शार्प मेजर के नोट्स क्या हैं। एफ शार्प मेजर स्केल के नोट्स हैं एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई शार्प और एफ शार्प। एक बार फिर मैं बोलता हूँ, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई शार्प और एफ शार्प। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे ई शार्प तो कुछ होता ही नहीं है, फिर आप ई शार्प क्यों बोल रहे हैं। देखिए ऐसा क्या है, एक वेस्टर्न म्यूजिक का रूल है कि हम किसी भी नोट को जब हम स्केल प्ले करते थे, सीक्वेंस में स्केल प्ले होता है, उसमें किसी भी नोट को हम ऑमिट नहीं करते या हम उसको रिपीट नहीं करते, राइट। तो इस रूल के तहत हमारे पास अगर ई शार्प को हम एफ बोलते हैं तो एफ एफ शार्प बोलना पड़ेगा, यानी कि ये इस रूल का वायलेशन होगा कि हम एक नोट को दो बार नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको एफ शार्प की जगह ई शार्प बोल रहे हैं, एफ की जगह ई शार्प बोल रहे हैं। और प्ले करने में हम जो की है वो एफ ही बजाएंगे, लेकिन बोलेंगे इसको हम टेक्निकली ई शार्प, राइट। तो चलिए चलते हैं अब ये कैसे प्ले होगा आप देखते हैं। फोर्थ स्ट्रिंग के फोर्थ फ्रेट पे फोर्थ फिंगर से हम प्ले करेंगे एफ शार्प। उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट हुआ जी शार्प। उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग का ही थर्ड फ्रेट होगा ए शार्प। और उसका नेक्स्ट फ्रेट यानी कि फोर्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग बी अपनी फोर्थ फिंगर से। उसके बाद सी शार्प सेकेंड स्ट्रिंग का सेकेंड फ्रेट। और जो नेक्स्ट होगा यानी कि फोर्थ फ्रेट फोर्थ फिंगर से यानी कि डी शार्प। उसके बाद ई शार्प बजेगा यानी कि एफ जो है फर्स्ट स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट और फर्स्ट स्ट्रिंग का सेकेंड फ्रेट एफ शार्प। मैं एक बार और स्लो बजा के बताऊँ आपको, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, एफ, ई शार्प और एफ शार्प। तो ये फ्लो में से बजेगा। तो चलिए आपने देखा एफ शार्प को हमने किस तरह से प्ले किया। बस फिंगरिंग इसमें थोड़ी स्ट्रेचिंग है, तो आप अगर बिगिनर हैं तो थोड़ा सा शायद आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन हमें ये स्केल करना है, ये बहुत ज़रूरी है जानना स्केल। और प्रैक्टिस हम करेंगे तो ये फिंगर स्ट्रेचिंग भी हमारी हो जाएगी और हम इस स्केल को आराम से बजा पाएंगे। होपफुली ये वीडियो आपके लिए काम कर रहा होगा और आपको पसंद आया है, या आपको कोई डाउट है या कोई भी और कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए स्केल का।